और दूसरी तरफ उसके ऑपरेशन की बात चल रही है। ऑपरेशन करने के लिए तो कह रहे थे। हाँ, ऑपरेशन करने के लिए कह तो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी बचेगी भी या नहीं, और अगर बची तो कितनी लंबी होगी, ये कुछ तय नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये सब तो डॉक्टर ही जान सकते हैं। अगर आप मेरी एक बात मानेंगी तो मैं बताऊँ ना। हाँ बताइए ना। मेरा मतलब है, आप मीनू को लेकर किसी बड़े शहर में क्यों नहीं चली जाती? मतलब बड़ा शहर, अच्छे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटीज, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मीनू का इलाज होगा। या जो भी कंडीशन है वो साफ साफ पता तो चल जाएगी, ऐसे अंधेरे में रहने से क्या फायदा? आप मीनू को समझा दीजिए कि अगर उसने पंकज के साथ अपनी शादी की जिद नहीं छोड़ी तो मैं उससे और पंकज को इतना दूर कर दूंगी कि पंकज तक पहुंचते पहुंचते उसकी बची हुई जिंदगी भी कट जाएगी। मामी जी, मामी जी, आपने कोई जवाब नहीं दिया, किस सोच में पड़ गई आप? आपकी ये सलाह कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि आप मीनू को पंकज से दूर करना चाहते हैं? मुझे आपकी ये सलाह एक सोची समझी चाल लग रही है। अगर सोची समझी चाल है भी तो उसमें गलत क्या है? पंकज मेरा भाई है और मैं उसे अंधे कुएं में नहीं धकेल सकती, है ना? मैंने आपसे कब कहा कि आप पंकज को अंधे कुएं में धकेल दीजिए? मैं तो बस आपसे अपनी मीनू की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ, और ये तो अब आपके हाथ में है कि आप मुझे ये भीख देती हैं या नहीं। बात दरअसल देने या ना देने की है ही नहीं। तो फिर क्या है? बात यह है कि अगर मीनू की जिद के आगे पंकज ने घुटने टेक दिए, हार मान गया, अब तो उसके आगे जो होगा वो अनर्थ ही होगा ना। अनर्थ क्यों होगा, कम से कम उसे सुकून की मौत तो मिलेगी। लेकिन किसी एक की सुकून की मौत के लिए आप दूसरे के मौत का सामान क्यों तैयार करेंगे? और एक बात और सुन लीजिए, रिश्ते जीने के लिए बनाए जाते हैं, मरने के लिए नहीं। पंकज, तुम्हें पता है मेरा इंतजार कितना लंबा है? नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम्हें याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे और नया सेशन शुरू हुआ था, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उस दिन हमारे लेक्चर्स का पहला दिन था और एक भी लेक्चर नहीं हुआ था। इनफैक्ट हमारी क्लास में तो सीनियर्स भी आ गए थे इंट्रोडक्शन लेने के लिए। खैर, वो तो इंट्रोडक्शन के नाम पे रैगिंग ले रहे थे। तुम्हें याद है उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भी भेजा था तुम्हारे इंट्रोडक्शन लेने के लिए? मुझे ध्यान नहीं है। हाँ भाई, तुम्हें कैसे याद होगा, उस टाइम पे तुम आज फैकल्टी को टॉप करने की खुमारी में जो थे, तुम तो किसी को पहचानते भी नहीं थे। हाँ तो फिर क्या हुआ था? सच में मुझे ध्यान नहीं। हाँ, मुझे तो अभी भी याद है कि मैं कितना सहमी सहमी तुम्हारे पास आई थी और तुमने तुमने किस तरह से अपने नाम और सब्जेक्ट्स मुझे बताए थे। अरे हाँ, याद आया। उसके बाद मेरे हॉस्टल मेट्स ने मेरा बहुत मजाक बनाया, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर। मजाक आपका नहीं बना था जनाब, मेरा भी बना था, वो भी वुमेन्स हॉस्टल में, तुम्हारी क्लासमेट्स ने बनाया था। मुझे भी सब तुम्हारा नाम लेके चिढ़ाते थे। उस दिन के बाद से ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन गया था। इनफैक्ट मैं तो वो अम्मा जी की चाय की दुकान याद है ना, वहां खड़े होके तुम्हारा वेट करती थी, और उसी वेट करते करते 3-4 कप तो ऐसी पी जाती थी। और तुम्हें याद है उस टाइम पे बोगनवेलिया और पेंजी के फ्लावर्स कितने ज्यादा होते थे कॉलेज में? ऐसे में मैं आपको लेकर अपने सपने पालने लगी थी। पता नहीं ये
उन फूलों का असर था या कुछ और? हाँ, याद आया मुझे, तुमने एक दो बार मुझसे बात करने की भी कोशिश की थी, राइट? बात ही नहीं, मैं तो अपनी शादी के सपने भी बुनने लग गई थी। और यहाँ तक ये भी सोच लिया था कि हमारे दो बच्चे होंगे, अब पूरी सोसाइटी में हम पति पत्नी के रूप में मिसाल बन जाएंगे। तो लगता है कि जैसे मेरे सपनों ने मुझे ठग लिया है, और यही सपने अब मुझे धीरे धीरे खोखला बना रहे हैं। चौखट के साथ जिंदगी जी जा रही है, और तुमने तुमने तो वही चौखट उजाड़ने की कोशिश की। बिटिया, हम तुम्हारी सगी माँ हैं, लेकिन गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध के हम तुम्हारे सारे गलत काम में साथ नहीं दे सकते। जब समुद्र में तूफान आवत है ना बिटिया, तो का कौनो हल्की चीज से नहीं रोका जा सकता। इसलिए हमने सोच लिया कि हम और तुम्हारी मातारी यहां चले जाएंगे। अरे हम लोग किस लिए जा रहे हैं? ताकि हम लोग यहां रहेंगे ना, तो कोई ना कोई सोनिया के ऊपर उंगली उठा सके, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ऐसी कौन सी नाराजगी थी कि आप लोग मुझे छोड़कर चले गए मम्मी? चले गए मुझे अकेला छोड़कर, अब मैं किसकी गोद में सर रख कर रोऊंगी? माँ, कौन मुझे बताएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ? आज जब मैं सही राह पे चल पड़ी थी, तो आप लोगों ने रास्ता बदल लिया, वो भी ऐसा रास्ता जहां से कभी वापस नहीं आ सकते आप लोग। अब मेरी इज्जत कौन पूरी करेगा? अब मैं अपनी बात किससे कहूंगी? पापा, ठीक नहीं किया आपने, मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? कैसी क्या गलती की थी मैंने? ऐसी कौन सी गलती की थी मैंने? अब मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। माँ।